गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने लेसन 12 के अभ्यास के प्रश्न समझ लिए हैं, बराबर। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी, बराबर। तो उसका उत्तर क्या होगा? दुमदुमा गांव में क्या था, पता है आपको? पाठ समझाया था तब, आपने सुना होगा। तो किसकी समस्या थी? पानी की, बराबर। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? दुमदुमा गांव में पानी की समस्या थी। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की समस्या रहती थी, बराबर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो क्या नहीं कर पाते थे? पानी देखकर आप क्या करते हो? वहाँ पर भी आपके जैसे ही छोटे बच्चे थे। तो उत्तर क्या लिखेंगे? पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं सकते थे, बराबर। अब तीसरा प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो क्या उपाय बताया था, याद है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा, ग ड आधा और ढा, गड्ढा खोदने के लिए कहा, बराबर। उपाय बताया था ना वह, इसीलिए यह लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न क्या है? जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन के साधन लाए? तो आपको उस साधन के नाम लिखने हैं। गुजराती में हो तो आपको पता होगा, पावड़ो, तगारो, कुदारी, है ना, त्रिकम। यहाँ हमें हिंदी में लिखना है तो हिंदी में वही साधन लिखने हैं। क्या लिखेंगे? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, फावड़े यानि पावड़ो, कढ़ाही, कढ़ाही एटले कुदाड़ी, कुदाले, कुदाले एटले कुदाड़ी, और तसले लाए, तसले यानि तगारो लाए, बराबर। अब पांचवा प्रश्न क्या है? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या फ़ायदा हुआ होगा? हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें भी कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है ना। तो यहाँ पर भी बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, बरसात का पानी आया, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। कौन सा? तो खेतों की सिंचाई हुई, वही पानी से खेतों में पानी डाला गया, यानी कि सिंचाई हुई, और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे,
है ना। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है, बराबर। अब क्या है कि प्रश्न दो, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है, यानी कि कौन बोलता है, वह लिखना है आपको। तो मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? बिल्लू। कौन बोलता है? बिल्लू। तो आप क्या लिखोगे? यह वाक्य बिल्लू बोलता है या कहता है, बराबर। अब दूसरा, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो ऐसा किसने कहा था? महिमा ने, है ना। तो उत्तर क्या लिखोगे? यह वाक्य महिमा कहती है, बराबर। अब आगे, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, ऐसा कौन कहता है? रजिया कहती है, है ना। तो इस वाक्य का उत्तर क्या लिखेंगे? यह वाक्य रजिया कहती है, बराबर। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तो कहते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखना है। कैसे? तो दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप, लहलहाए। तो शब्दकोश है, इसीलिए कैसे लिखोगे? पहले स्वर और बाद में व्यंजन, बराबर। तो स्वर है यहाँ? नहीं, हाँ नहीं है। तो हम व्यंजन लेंगे। तो पहला व्यंजन क्या है हमारा? क। तो क से कढ़ाई, है ना। तो पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? कौन सी आएगी व्यंजन? छ। तो छपा छप। फिर क्या आएगा? द। तो द से दुम दुमा। फिर क्या होगा? ब। तो ब से बादल। और फिर अंत में ल। तो ल लहाए, बराबर। तो अब शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखोगे? कढ़ाई, छपा छप, दुम दुमा, बादल, लहलहाए, बराबर। तो इतना लिखना है। अब चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो गुजराती यानी मातृभाषा। तो मातृभाषा में अनुवाद करोगे, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो इसका अनुवाद करो। तो बाळको पाणीमां रमवा इच्छता हता, बराबर। अब दूसरा, तो पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो अब इसका करो आप गुजराती। तो पानी थी, पानी से याने थी, पानी थी खेतों की, खेतरोनी सिंचाई होती है, सिंचाई थाय छे, बराबर। अब तीसरा, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, बारिश के बरसात ना, पानी से पानी थी तालाब में, तालाब में पानी भरा, पानी भरायु, बराबर। तो ये तीन वाक्य। अब चौथा क्या है? बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची,
तो बच्चों ने बाळकोए पानी की पानीनी कमी तंगी दूर करने की दूर करवानू सोची विचार्यू। बाळकोए पानीनी तंगी दूर करवानू विचार्यू। बराबर। अब पांचवा, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिन, एक दिवस, बच्चे बाळकों खेल के मैदान में, खेल के रमतना मैदान में, मैदान मा इकट्ठे हुए, एकठा थया। तो एक दिवस बाळको रमतना मैदान मा एकठा थया। बराबर। अब आगे, आगे क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ कोष्टक, कोष्टक यानी कोष, कोष के अंदर जो समानार्थी शब्द के उत्तर है वो कुछ शब्द दिए हैं। उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात, नील, ये शब्द है। इन शब्द का उपयोग करके आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढना है। बराबर। तो क्या है? प्रार्थना, उपाय, पानी, बारिश, परेशान। तो अब प्रार्थना, तो प्रार्थना का क्या होगा? उपासना और दूसरा स्तुति। बराबर। तो प्रार्थना बराबर करके आप लिखोगे उपासना, अल्पविराम स्तुति। फिर है उपाय, तो उपाय के लिए क्या होगा? युक्ति और दूसरा तरकीब। उपाय यानी युक्ति और तरकीब। फिर है पानी, तो पानी का क्या होगा? वारी और दूसरा नीर। बराबर। अब बारिश, तो बारिश का क्या होगा? पहले तो उसके ऊपर ही है बरसात और फिर वर्षा। बराबर। अब है परेशान, तो परेशान का क्या होगा? दुखी और व्याकुल। बराबर। तो ये हमारे समानार्थी शब्द हुए। अब आप नोट में इसे कैसे लिखोगे? तो प्रार्थना बराबर, ये आपके दो शब्द है वह लिखोगे। बराबर। उसके नीचे ये, इसके नीचे, तो एक के नीचे एक आप लिखोगे। इस तरह से बॉक्स बनाओगे नहीं। बराबर। समझ गए आप? तो आपको अभ्यास के प्रश्न 1 से 5 लिखने हैं। ओके। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, ऊपर लिटी करके आप लिखोगे। बराबर। ओके, थैंक यू।